एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पैडागॉजी स्टेशन, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल योर पैडागॉजी प्रॉब्लम्स। ओके, सो दिस इज अवर नाइन्थ क्लास एंड इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विथ चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती क्या है, प्लस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होते हैं। आज हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स को। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसके आस्पेक्ट्स क्या होते हैं, या किस किस फील्ड में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखते हैं। किसी भी बच्चे की ग्रोथ को अगर हम देखें या किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट को हम देखें तो एक बच्चा किन किन चीज़ों में डेवलप करता है, उन आस्पेक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद आस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एरियाज एंड आस्पेक्ट्स इन विच अ चाइल्ड ग्रोज एंड डेवलप्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, कि जिन जिन एरियाज में एक बच्चा जो है वो डेवलप करता है उन एरियाज़ को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकल डेवलपमेंट। नाम से ही पता चल रहा है फिजिकल यानी कि उसकी बॉडी से रिलेटेड है। तो फिजिकली वो किस तरह से बच्चा डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ये हम फिजिकल डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में देख लेते हैं, इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स ऑर्गन्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक बच्चे के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, अगर हम एक्सटर्नल बात करें तो हमारे हैंड्स, लेग्स, स्टमक, हेड, फेस, ये सब हमारे एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स हो गए। लेकिन अगर हम इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल आवर हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हो गए। तो जब एक बच्चा इंटरनली और एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी बॉडी के, वो जब ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल, जैसे कि नाम से ये पता चल रहा है, यानी कि इट इज़ रिलेटेड टू आवर माइंड। सो मेंटल डेवलपमेंट में देख लेते क्या है, इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर्स, यानी कि जो हमारे दिमाग के पावर्स हैं उनकी डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट में ही काउंट होती है। लाइक रीजनिंग, यानी कि कोई भी अगर हम काम करें तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, तो उस रीजनिंग की पावर को डेवलप करना। थिंकिंग, कि अगर हम कुछ सोचते हैं तो वो भी हम माइंड से ही सोचते हैं, तो वो भी हमारे मेंटल डेवलपमेंट में आती है। इमेजिनिंग, कि हम कोई चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो टाइम के साथ डेवलप होती है, क्योंकि एक जो छोटा बच्चा होता है वो इमेजिन नहीं कर पाता, वो थिंकिंग प्रोसेस भी नहीं कर पाता, लेकिन टाइम टू टाइम उसमें ये सब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, तो ये सब हमारी मेंटल डेवलपमेंट में आती हैं। आगे क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी भी टाइम के साथ एक बच्चे में डेवलप हो जाती है। मेमोरी, एक छोटे बच्चे की मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता जाता है उसकी मेमोरी भी जो है वो बढ़ती जाती है। उसके बाद है सेंसेशन, यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं ये हमारे सेंसेशन में आती है। फॉर एग्जांपल हमारी जो स्किन है उसमें हम टच वाला सेंसेशन फील कर पाते हैं, कोई गुड या बैड स्मेल है उसको हम नोज़ से सेंस कर पाते हैं, तो इस तरह के जो सेंसेशंस हैं वो भी हमारे टाइम टू टाइम डेवलप करती हैं। नेक्स्ट इज़ डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर कोई चीज़ के बीच में हमने डिस्क्रिमिनेशन करना है, सपोज़ दो बॉटल्स रखी हैं, एक छोटी बॉटल रखी है, एक बड़ी बॉटल रखी है, तो हमने डिस्क्रिमिनेट करना है कि कौन सी बॉटल छोटी है और कौन सी बॉटल बड़ी है। तो ये भी एक छोटा बच्चा जो है वो इतना उसको नहीं डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा, जो बिल्कुल ही सपोज़ करो 1 ईयर का अगर कोई बच्चा है तो वो छोटी या बड़ी बॉटल में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही वो टाइम के साथ बढ़ता जाता है तो वो छोटी और बड़ी बॉटल में डिस्क्रिमिनेट भी करना शुरू कर देता है। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया डिस्क्रिमिनेशन का। उसके बाद है जनरलाइजेशन, कि कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसकी एक जनरल फॉर्म होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलके फिर हम एक एंड में जनरलाइजेशन पे पहुँचते हैं, तो ये भी हमारा एक मेंटल प्रोसेस ही है। एंड लास्ट इज़ कॉन्सेंट्रेशन, जो एक छोटा बच्चा होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो टाइम के साथ डेवलप करता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा देर तक किसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। तो यही सब जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं ये सब हमारी माइंड से रिलेटेड हैं, तो ये भी टाइम के साथ डेवलप होती है, तो ये सब हमारी मेंटल डेवलपमेंट में काउंट होती है। थर्ड इज़ इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल यानी कि इमोशंस जिसमें होते हैं,
ऐसे डेवलपमेंट जिसमें हमारे इमोशंस डेवलप होते हैं वो हमारी इमोशनल डेवलपमेंट होती है। इसमें देख लेते हैं क्या है, इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ इंस्टिंक्ट्स और वेरियस इमोशंस, कि हमारे अंदर जो इंस्टिंक्ट्स हैं, इंस्टिंक्ट्स क्या चीज़ होती है, जो ऑलरेडी हमारे अंदर होती है, वो कोई बाहर से वो चीज़ों को हमारी बॉडी के अंदर या हमारे अंदर उनको इंक्लूड नहीं करा जाता, लेकिन वो नेचुरली ही हमारे अंदर होती हैं, उनको हम बोलते हैं इंस्टिंक्ट्स। और वेरियस इमोशंस, इमोशंस क्या होती हैं, फीलिंग्स। तो जब हमारे अंदर जो कुछ इस तरह की फीलिंग्स हैं या इमोशंस हैं, जब वो डेवलप होते हैं तो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है। इमोशंस लाइक लाफिंग, क्राइंग, फियर एट्सेट्रा। एक छोटा बेबी होता है वो बहुत ज़्यादा रोता है, उसको भूख लगेगी वो तब भी रोएगा, अगर वो सपोज़ करो कि अगर उसके कोई मस्किटो काट गया वो तब भी रोएगा, अगर उसको कोई छेड़ रहा है वो तब भी रोने लग जाता है। तो एक छोटा बेबी जो होता है वो बहुत ज़्यादा रोता है, लेकिन जैसे ही वो बढ़ता जाता है वो रोना कम कर देता है। जब वो चाइल्डहुड में जाता है तो उसका रोना और कम हो जाता है, एडोलेसेंस में आ जाता है तो वो रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पीयर ग्रुप्स में उसकी इज्जत नहीं रह जाएगी। तो ऐसे ही टाइम टू टाइम जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तो वो रोने वाले जो उसके इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करता चला जाता है। तो ये उसका इमोशनल डेवलपमेंट है। तो इसी तरह से हमारी लाफिंग, क्राइंग, फियर एट्सेट्रा, इस टाइप के जो इमोशंस हैं वो टाइम के साथ बढ़ते हैं, डेवलप होते हैं, यही सब हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में काउंट होते हैं। फोर देख लेते हैं, सोशल डेवलपमेंट। नाम से ही पता चल रहा है सोशल यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड है, कि हमारी सोसाइटी के रूल्स या नॉर्म्स को हम कैसे फॉलो करते हैं। टाइम टू टाइम हमारे अंदर डेवलपमेंट आती है, हम सोसाइटी के अनुरूप ढाल लेते हैं खुद को और एक सोशल ह्यूमन बींग बन जाते हैं, यही हमारी सोशल डेवलपमेंट है। सोशल डेवलपमेंट में देख लेते हैं क्या है, इंक्लूड्स डेवलपिंग ऑफ अ चाइल्ड इंटू अ सोशली मेच्योर्ड पर्सन हु बिहेव्स अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इट, कि सोसाइटी के जो रूल्स और नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग जब एक इंसान खुद को ढाल लेता है और सोशली मेच्योर बन जाता है तो वो एक सोशली डेवलप्ड पर्सन बन जाता है। सोसाइटी के रूल्स एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग खुद को ढालना और उसी सोसाइटी में फिर एडजस्ट कर लेते हैं तो हम एक सोशली मेच्योर पर्सन बन जाते हैं। तो यही हमारी सोशल डेवलपमेंट होती है। फिफ्थ देख लेते हैं, मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल अगेन नाम से ही पता चल रहा है कि नैतिक जो शिक्षा होती है हमारे अंदर, जो हम लेते हैं बाहर से, और हम जो हैं हमें मॉरल वैल्यूज़ हमारे अंदर डेवलप होती हैं, हमारे अंदर एटिकेट्स डेवलप होते हैं, ये सब हमारी मॉरल डेवलपमेंट में आ जाती है। इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ मॉरल सेंस एंड कैरेक्टर, कि जो हमारा मॉरल सेंस है या हमारा मॉरल कैरेक्टर जो है, मॉरल वैल्यूज़ जो है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर जो वैल्यूज़ आती हैं, लाइक अगर कोई बाहर से आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको हमने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या नमस्ते करना है, अगर कोई जा रहा है तो उसको गुड बाय करना है, अगर कोई बीमार है तो उसके हालचाल पूछने या उसकी केयर भी करनी है, तो ये सब हमारे मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। तो इन सब वैल्यूज़ का जब हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है तो उसको हम मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। अ पर्सन डेवलप्स हिज मॉरल वैल्यूज़ एंड एथिक्स, कि जो एक इंसान है वो अपने अंदर मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करता है और एथिक्स होती है यानी कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ होती हैं, जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ होती हैं, उनको हम एथिक्स बोलते हैं। तो एक किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जब मॉरल वैल्यूज़ या एथिक्स डेवलप हो जाते हैं तो उसको हम मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। लास्ट इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि लैंग्वेज की जब डेवलपमेंट होती है, जैसे एक छोटा बच्चा है वो स्टार्टिंग में रोता है, उसके बाद वो कोइंग स्टार्ट कर देता है, उसके बाद वो बैबलिंग स्टार्ट कर देता है, उसके बाद वो वन वर्ड लैंग्वेज बोलता है, उसके बाद वो टू वर्ड लैंग्वेज बोलता है, उसके बाद वो सेंटेंस लैंग्वेज में पहुंचता है। तो ये उसकी एक लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो रही है। तो यही हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट है। इंक्लूड्स लर्निंग ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, कि हमने किसी के साथ वार्तालाप करना है, उसके लिए हम जब लैंग्वेज सीखते हैं तो ये हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है। एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एबिलिटीज़ फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कि एक लैंग्वेज को जब हमने शुद्ध रूप में या अच्छे रूप में इस्तेमाल करना है तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें हमें इस तरह की एबिलिटीज़ हमें डेवलप करनी होती है ताकि उस लैंग्वेज का हम अच्छे से यूज़ कर सकें।
तो जब हम इस तरह के रूल्स या नॉर्म्स अपने अंदर ले आते हैं, उस तरह की एबिलिटीज़ हम अपने अंदर ले आते हैं, तो हमारा अच्छे से लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। यही सब हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट में आता है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने 6 आस्पेक्ट्स देखे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, जिनके के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि डेवलपमेंट जो है वो सपोज़ फिज़िकल डेवलपमेंट है, यानी कि हमारे फिजिक से रिलेटेड है, हमारी बॉडी से रिलेटेड है। इमोशनल डेवलपमेंट है, यानी कि हमारे अंदर जो इमोशंस हैं उनसे रिलेटेड है। हर एक डेवलपमेंट नाम से ही पता चल रही है। तो यही हमारे कुछ एस्पेक्ट्स थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, आगे देख लेते हैं। अब हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। स्टूडेंट्स, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे, काफ़ी सारी थियोरीज दी थी, उनके बेसिस पे ही कुछ प्रिंसिपल्स बने हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। उनको एक एक करके अब हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टीन्यूटी यानी कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कि दैट इज़ डेवलपमेंट गोज फ्रॉम वॉम टू टॉम। कि जो डेवलपमेंट है, हम यहाँ पर ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अभी। तो जो डेवलपमेंट है वो वॉम टू टॉम जाती है, यानी कि जब एक बच्चा गर्भधारण कर लेता है तब से शुरू होती है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है एंड नेवर स्टॉप्स। और डेवलपमेंट जो है वो कभी रुकती नहीं है। स्टार्टिंग लाइफ फ्रॉम अ टाइनी सेल टू एन ओल्ड पर्सन। एक इंसान अपनी ज़िंदगी एक छोटे से सेल से स्टार्ट करता है और जब तक वो बूढ़ा आदमी नहीं बन जाता तब तक उसकी डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। डेवलपमेंट नेवर स्टॉप्स एंड इट कॉन्टीन्यूस थ्रू आउट अवर लाइफ। डेवलपमेंट जो है वो कभी रुकती नहीं है और ये हमारी पूरी ज़िंदगी भर चलती रहती है। सो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी है, कि जब एक बच्चे का गर्भधारण होता है तब से लेकर और उसकी मृत्यु तक उसकी डेवलपमेंट कभी नहीं रुकती। ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और ये वॉम से लेकर टॉम तक जाती है, यानी कि वॉम टू टॉम। ये एक फ्रेज़ है कि जब वो वॉम में होता है, वॉम यानी कि गर्भ में होता है, गर्भ से लेकर टू टॉम। टॉम यहाँ पर मतलब है कि जब उसको मौत के बाद दफनाया जाता है, टॉम बोला गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा कब्रिस्तान बोल लो उसको, या हमारा शमशान घाट बोल लो, तो उसको एक टॉम्ब के रूप में यहाँ पर बोला गया है। तो यानी कि जब वो अपनी माँ के पेट में जन्म ले लेता है तब से लेकर के और उसकी मृत्यु तक उसकी डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी है। सेकेंड प्रिंसिपल देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसका क्या रेट होता है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑल द टाइम। कि जो रेट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है सब टाइम पे, यानी कि जो रेट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो हमेशा बराबर नहीं रहता है। कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जिस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में वो होता है उसकी जो स्पीड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वो कम हो जाती है, नेक्स्ट स्टेज में वो फिर से बढ़ जाती है, उससे नेक्स्ट स्टेज में वो फिर कम हो जाती है। तो इस तरह से जो रेट है, प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहता है कि जो रेट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी फिर कम हो जाती है, फिर ज़्यादा हो जाती है फिर कम हो जाती है। सो रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑल द टाइम, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इट इज़ रैपिड इन अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। कि जो हमारी ज़िंदगी के शुरुआती साल होते हैं, जब हम इन्फेंसी की जो स्टेज होती है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बट स्लोज डाउन इन चाइल्डहुड। और जब हम चाइल्डहुड में आते हैं तो हमारी जो रेट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। उसके बाद एंड अ रैपिड राइज इन स्पीड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अडोलसेंस। उसके बाद जब हम अडोलसेंस में आते हैं उस टाइम पे भी हमारी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके बाद जब हम अडल्टहुड में आते हैं और अडल्टहुड से लेके ओल्ड एज तक, ये दोबारा से इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। सो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी स्पीड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कि हर एक इंसान अलग अलग तरीके से डेवलप करता है। कोई
बहुत तेज स्पीड से डेवलप करता है, कोई बहुत कम स्पीड से डेवलप करता है, कोई पहले डेवलप कर जाता है, कोई बाद में डेवलप कर जाता है। तो हर एक इंसान का अलग अलग डिफरेंस होता है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है। इसमें देख लेते हैं क्या है, ईच चाइल्ड ग्रोज एट हिज और हर ओन पेस। हर एक बच्चा जो है वो अपने खुद के पेस पे डेवलप करता है, उसकी खुद की स्पीड होती है डेवलप करने की। देर इज़ अ वाइड डिफरेंस अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर हम हर एक बच्चे को देखें तो हर एक बच्चा अपने तरीके से डेवलप करता है। कोई बच्चा होता है जो कि बहुत जल्दी डेवलप कर जाता है। बहुत बार हम बोलते हैं कि ये बच्चा तो बड़ी जल्दी मैच्योर हो गया, अपनी एज के अकॉर्डिंग ये लगता तो नहीं है कि अपनी एज के एज का है, ऐसा बोलते हैं। बहुत बार बोलते हैं कि ये बच्चा अपनी एज के जितनी इसकी उम्र है उस हिसाब का लगता तो नहीं है, लगता तो ये बड़ा है। तो यानी कि उस बच्चे ने डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ स्पीड से कर ली है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि अच्छा तेरी इतनी ज़्यादा एज हो गई है, लगता तो तू बहुत छोटा है, ऐसे भी बहुत बार बोलते हैं। तो यानी कि उसकी जो डेवलपमेंट है वो शायद स्लो है, वो इतनी तेज़ स्पीड से डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो हर एक इंसान अपने अपने स्पीड से डेवलप करता है। हर एक ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान सेम स्पीड से करे, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ही वो ग्रो एंड डेवलप करते हैं। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। यानी कि बेशक से इंडिविजुअल्स की स्पीड कम या ज़्यादा हो डेवलप करने की, लेकिन उनका पैटर्न जो होता है डेवलप करने का वो सबका सेम होता है। यानी कि अगर हम एग्जांपल लें कि एक छोटा बच्चा है, कोई भी बच्चा होगा वो सबसे पहले बैठना सीखेगा, उसके बाद वो क्रॉल करना सीखेगा यानी घुटनों पे चलना सीखेगा, उसके बाद वो खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद ही वो पैदल चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा सीधा ही बेड से खड़ा हो जाता है सीधा ही और खड़ा होकर सीधा चलने लग जाता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है। तो यानी कि पैटर्न डेवलपमेंट का सबका सेम होता है। हाँ, स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, कोई जल्दी डेवलप कर सकता है, कोई लेट डेवलप कर सकता है, लेकिन उनका पैटर्न सबका सेम होता है। देख लेते हैं इसमें क्या है। ऑल्दो रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, कि जो स्पीड है डेवलपमेंट की वो सबके लिए ज़रूरी नहीं कि सेम हो, बट द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज़ सेम इन ऑल। लेकिन जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो सब में सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी चाइल्ड लर्न्स हाउ टू सिट बिफोर क्रॉलिंग एंड क्रॉल बिफोर वॉकिंग। सेम एग्जाम्पल आ गया कि हर एक जो बच्चा है वो सबसे पहले बैठना सीखता है, उसके बाद वो क्रॉल करना सीखता है यानी कि घुटनों पे चलना सीखता है, उसी के बाद ही वो पैदल चलना सीखता है। तो हर एक बच्चा यही सेम पैटर्न फॉलो करता है। हालांकि स्पीड अलग अलग बच्चे की अलग हो सकती है, कोई हो सकता है कि एक साल की उम्र में चलना सीख जाता है, कोई होता है डेढ़ साल की उम्र में चलना सीखता है। तो ऐसे स्पीड अलग अलग हो सकती है लेकिन पैटर्न सबका सेम ही रहेगा कि हर एक बच्चा पहले बैठना ही सीखेगा, उसके बाद वो क्रॉल करना ही सीखेगा, उसके बाद वो पैदल चलना ही सीखेगा। तो यानी कि पैटर्न सेम है। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। कि एक बच्चा जो है वो पहले जनरल चीज़ें सीखता है, उसके बाद कोई स्पेसिफिक चीज़ पर पहुंचता है। यही हमारा डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक का प्रिंसिपल है। इसमें देख लेते हैं क्या है, इन ऑल फेसेस ऑफ डेवलपमेंट जनरल एक्टिविटीज़ कम्स फर्स्ट दैन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। कि जनरल एक्टिविटीज़ हर एक बच्चा पहले सीखता है, उसके बाद ही वो कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी के ऊपर पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी चाइल्ड मूव्स हिज और हर हैंड्स रैंडमली व्हेन दे आर बेबीज एंड देन लेटर लर्न्स हाउ टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ देयर हैंड्स। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ को समझाने का कि एक जो छोटा बेबी होता है वो पहले अपनी पूरी बॉडी को मूव करता रहता है, अपने हाथ पैरों को सबको कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहता है, खेलता रहता है या कैसे भी जैसे भी उसका मन करता है रैंडमली खुद को पूरे को वो यहाँ से वहाँ मूव करता रहता है। लेकिन जैसे वो डेवलप होता है टाइम के साथ, एज के साथ वो ग्रो करता है, उसके बाद वो सीख जाता है अपने हाथों और पैरों को कंट्रोल करके मूव करना।
कि उसके हाथों को पैरों को जहाँ पर ज़रूरत होती है वो तभी उनको मूव करता है, ऐसे ही अनजाने में यूं ही रैंडमली मूव नहीं करता है। सो ये हमारा प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ऐसे ही एज के साथ जब बच्चा ग्रो करने लग जाता है तो हमेशा वो जनरल चीज़ें पहले सीखता है, उसके बाद ही वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर आता है। सो दिस वॉज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ओके, सिक्स्थ प्रिंसिपल देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि अलग अलग जो हमारे एरियाज हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं अलग अलग एरियाज के, ये हमारे कुछ एरियाज हैं डेवलपमेंट के। लेकिन ये हर एक तरह के डेवलपमेंट आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। यानी कि पहले एक बार हम देख लेते हैं उसके बाद समझ लेते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन में क्या कहा गया है, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक फिजिकल मेंटल एट्सेट्रा आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। कि जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, जैसे कि फिजिकल मेंटल या सोशल डेवलपमेंट के, वो आपस में रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल विद द फिजिकल ग्रोथ अ चाइल्ड ऑल्सो डेवलप्स इन मेंटल एबिलिटीज। कि जैसे एक बच्चा अगर फिजिकली ग्रो कर रहा है या डेवलप कर रहा है तो साथ साथ उसकी मेंटल एबिलिटीज़ भी डेवलप करती हैं, यानी कि उसका मेंटल लेवल है वो भी साथ साथ डेवलप करता है। एंड अदर एस्पेक्ट्स एंड प्रोसीड्स टूवर्ड्स मेच्योरिटी, और उसके हर एक तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं वो डेवलप करते हैं। एक बच्चा एज के साथ बढ़ रहा है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, वेट भी बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ उसका मेंटल लेवल भी बढ़ता है, वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सीखने लगता है। साथ ही वो सोसाइटी में रहता है तो सोशल वैल्यूज़ भी सीखता है, मॉरल वैल्यूज़ भी सीखता है, उसकी लैंग्वेज भी डेवलप होती है। तो यही सब चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक एरिया जो है डेवलपमेंट का वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। अगर उसकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं होगी, अगर वो फिजिकली अच्छे से डेवलप नहीं करेगा, तो उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है क्या वो ठीक से हो पाएगा, वो भी ठीक से नहीं हो पाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो कि फिजिकली इनेबल होते हैं, वो डिसेबल्ड होते हैं, वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम केसेस में पाए जाते हैं कि उनकी मेंटल जो डेवलपमेंट है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हर एक तरह के डेवलपमेंट जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। सो दिस वॉज द प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। सेवेंथ पॉइंट देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक बच्चे की डेवलपमेंट को देख करके कि वो आगे और किस तरीके से डेवलप होगा। ये हमारे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। इसमें देख लेते हैं क्या है, द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द रेंज Within which his mature development will occur। एक बच्चा जब डेवलप करना शुरू कर देता है तो उसकी डेवलपमेंट को देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक बच्चा जब पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा तो उसकी डेवलपमेंट कहाँ तक हो सकती है। सपोज करो कि एक बच्चा है, वो नॉर्मली अगर हम देखें तो एक फर्स्ट क्लास का बच्चा लगभग 3 फीट का होता है, लेकिन एक बच्चा है क्लास में जो कि अभी 4 फीट का है। एक ही बच्चा है वो क्लास में जो कि बाकी सब 3-3.25 फीट के हैं लगभग बच्चे, और वो जो एक बच्चा है वो है लगभग 4 फीट का। तो उसके डेवलपमेंट को देख के हम कह सकते हैं कि उसकी हाइट लंबी जाएगी, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में वो जो है वो बच्चा लंबा जाएगा। ये हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब ये अपने फुल मेच्योर्ड एज में जाएगा तो इसकी हाइट जनरल लोगों से कुछ ज़्यादा रहेगी। इस चीज़ को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी है। कि जिस तरह से उसका डेवलपमेंट पैटर्न हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी डेवलपमेंट जो है वो कहाँ तक जाएगी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कि इसी में ही जो लिखा हुआ एग्जांपल है यही ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ अ चाइल्ड इज इंटेलिजेंट इन हिज चाइल्डहुड देन वी कैन प्रिडिक्ट दैट ही विल बी इंटेलिजेंट इन फ्यूचर ऑल्सो। कि अगर एक बच्चा अपने अर्ली चाइल्डहुड में काफ़ी इंटेलिजेंट है, क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो बड़ा होकर भी इंटेलिजेंट ही रहेगा और कुछ बड़ा ही आदमी बनेगा। तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी है। एट्थ पॉइंट देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या मेन पॉइंट होता है। डेवलपमेंट को स्पाइरल बोला गया है, उसको लीनियर नहीं बोला गया है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि हमने देखा था पहले स्टेजेस में, पहले प्रिंसिपल में, कि प्रिंसिपल जो है डेवलपमेंट का
उसका एक प्रिंसिपल हमने देखा था कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है डेवलपमेंट की, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। एक स्टेज में वो ज़्यादा होता है, अगली स्टेज में वो कम हो जाती है उसकी स्पीड, अगली स्टेज में वो फिर से उसकी डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ जाती है, उसके बाद वो फिर कम हो जाती है। इसी कारण से कहा गया है कि डेवलपमेंट इज स्पाइरल। जैसे कि एक स्पाइरल होता है, उसमें क्या होता है, एक बार वो बाहर की तरफ जाता है तो उसकी यानी कि स्पीड जो है डेवलपमेंट की वो ज़्यादा है, उसके बाद जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तो फिर से नीचे की तरफ आ जाता है, फिर से वो बाहर की तरफ आता है, फिर अंदर की तरफ जाता है, फिर बाहर, फिर अंदर। इस तरह से वो स्पाइरल जो है वो चलता है। इसीलिए डेवलपमेंट को कहा गया है कि डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर, क्योंकि ये हर एक स्टेज में सेम स्पीड से नहीं डेवलप होता है एक बच्चा, उसकी जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो कम ज़्यादा होती रहती है, जस्ट लाइक स्पाइरल। तो अगर हम लीनियर बोलते हैं, लीनियर यानी कि वो यूनिफॉर्म चल रहा है भाई, एक सीधी लाइन में चल रहा है, ऐसा तो नहीं होता। डेवलपमेंट कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, जस्ट लाइक अ स्पाइरल। दैट इज़ वाई डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। सो इसमें देख लेते हैं क्या है। मीन्स दैट अ चाइल्ड डज नॉट ग्रो एट अ स्टीडी रेट, यानी कि वो एक सेम स्पीड पर डेवलप नहीं करता एक बच्चा। इन वन स्टेज हिज डेवलपमेंट इज फास्ट, एक स्टेज में उसकी डेवलपमेंट तेज़ होती है, एंड इन नेक्स्ट स्टेज हिज डेवलपमेंट इज स्लो, और अगली ही स्टेज में उसकी जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाती है, जस्ट लाइक अ स्पाइरल। जैसे एक स्पाइरल होता है, जब एक स्पाइरल घूमता है तो एक बार उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर तेज़ हो जाती है, फिर कम हो जाती है। ऐसे ही एक बच्चा जो होता है उसकी डेवलपमेंट भी एक बार एक स्टेज में तेज़ हो जाती है, अगली स्टेज में कम हो जाती है, फिर एक स्टेज में तेज़ हो जाती है, फिर एक स्टेज में कम हो जाती है। Hence in this way the graph of his development is not linear but spiral. तो इसलिए हम कहते हैं कि जो उसकी graph है, अगर हम उसके development का graph बनाएं तो वो linear नहीं होता बल्कि वो spiral होता है। So that is the principle of development is spiral and not linear. Okay, ninth point देख लेते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, हमारी जो साइकोलॉजी सीरीज़ की पहले भी हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है किसी भी बच्चे की, वो प्रोडक्ट होती है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की, यानी कि एक एनवायरनमेंट का और उसकी हेरिडिटी का, दोनों का प्रभाव पड़ता है एक बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो पे विजिट कर सकते हैं, उसमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है मैंने। तो इस प्रिंसिपल में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड साइमल्टेनियसली, कि एक बच्चे की डेवलपमेंट पे दोनों हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों साथ साथ ही प्रभाव डालती हैं। अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। एक जो बच्चा होता है वो बोथ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक चाइल्ड की जो डेवलपमेंट होती है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ओके, लास्ट 10th प्रिंसिपल देख लेते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, कि जो डेवलपमेंट है ना वो भी किसी ना किसी एक डायरेक्शन को फॉलो करती है। सो इसमें देख लेते हैं क्या है। डेवलपमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, कि डेवलपमेंट जो है वो दो तरह की होती है, ए सिफेलोकॉडल एंड बी प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब सिफेलोकॉडल में देख लेते हैं क्या है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स लॉन्गिट्यूडिनली, यानी कि ये लॉन्गिट्यूडिनली डेवलपमेंट जो है वो चलती है, दैट इज़ फ्रॉम हेड टू फीट, यानी कि सबसे पहले हमारा हेड डेवलप करता है, उसके बाद हम अपने फुट की तरफ पहुंचते हैं डेवलप करते करते, यानी कि सबसे पहले हमारा जो हेड उस पर कंट्रोल आता है, फिर हमारी नेक पे, फिर हमारी चेस्ट पे, फिर स्टमक पे, फिर हमारे लेग्स पे, और फिर एंड में हम फुट की तरफ जाते हैं। सो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट है वो लॉन्गिट्यूडनली चलती है, लंबाई के तौर पर चलती है, कि सर से पैर की तरफ हमारी जो डेवलपमेंट है वो जाती है। That means first a child gains control over his head and arms and then he can stand on his legs. यानी कि सबसे पहले जो है एक बच्चा अपने सर के ऊपर और अपने हाथों के ऊपर काबू करता है, उसके बाद वो अपने पैरों पे कंट्रोल करता है, जिसके बाद कि वो खड़ा हो पाता है। यही हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट में, जिसमें कि दो टाइप की डेवलपमेंट बताई गई है, सिफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सो सिफेलोकॉडल इज कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो हेड टू टो की तरफ जाता है, हेड टू फुट की तरफ जाता है, यानी कि पहले हमारा हेड और आर्म्स पे कंट्रोल आता है, उसके बाद हमारे पैरों पे कंट्रोल आता है। यही हमारा सिफेलोकॉडल। बी इज प्रॉक्सिमोडिस्टल,
प्रॉक्सिमो डिस्टल हेज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि हमारी बॉडी के सेंटर पे सबसे पहले कंट्रोल आता है, उसके बाद हम सेंटर से आउटसाइड जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं लाइक हमारे आर्म्स हैं या हमारे लेग्स हैं उनके ऊपर फिर बाद में कंट्रोल आता है. दैट मीन्स दैट फर्स्ट अ चाइल्ड इज एबल टू कंट्रोल हिज और हर लार्ज मसल्स लाइक आर्म्स, देन ही इज एबल टू कंट्रोल हिज स्मॉल मसल्स लाइक फिंगर्स. यानी कि एक बच्चा जो है वो अपने बड़े मसल्स जो अपनी बॉडी के पहले उनके ऊपर काबू पाता है, जैसे कि उसके आर्म्स हैं या उसके जो लेग्स हैं उनके ऊपर पहले कंट्रोल पाता है, उसके बाद जो छोटे मसल्स हैं बॉडी के जैसे कि हमारी फिंगर्स के मसल्स हैं उनके ऊपर वो बाद में कंट्रोल कर पाता है. यही हमारी प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट है जो कि सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाती है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब हम जो भी हमने करा है उसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि काफ़ी बार हमारे एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं. डैश डेवलपमेंट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स बॉडी ऑर्गन्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. कौन सी वो डेवलपमेंट है जिसमें कि एक बच्चे के बॉडी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट को शामिल किया गया है और बॉडी ऑर्गन्स दोनों ही एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के डेवलपमेंट को शामिल किया गया है. ए मेंटल डेवलपमेंट, बी फिजिकल डेवलपमेंट, सी लैंग्वेज डेवलपमेंट या डी सोशल डेवलपमेंट. सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि फिजिकल डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ते हैं कि एक बच्चे के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से डेवलप करते हैं और बॉडी ऑर्गन्स दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी फिजिकल डेवलपमेंट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट गोज फ्रॉम वॉम टू टॉम एंड नेवर स्टॉप्स. कौन सा प्रिंसिपल है जो कि कहता है कि एक बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो वॉम टू टॉम जाती है और वो कभी रुकती नहीं है. ए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, बी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन एंड डी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि डेवलपमेंट कभी रुकती ही नहीं है, ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है. सो ऑप्शन से ही दिख रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट हमारी लाइफ जाती है. जब एक बच्चे का गर्भधारण हो जाता है तब से लेकर और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसकी जो है डेवलपमेंट चलती रहती है, तो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है. सो द करेक्ट आंसर इज ए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या करेक्ट है. रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑल द टाइम, कि जो रेट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है. एंड सेकेंड इज़ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज़ सेम इन ऑल इंडिविजुअल्स, कि जो पैटर्न है डेवलपमेंट का वो हम हर इंडिविजुअल में सेम होता है. सो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं. हमने पढ़ा था कि जो रेट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होता है, किसी स्टेज में कम होता है किसी स्टेज में ज़्यादा होता है. और सेकेंड हमने ये भी पढ़ा था कि जो पैटर्न है डेवलपमेंट का वो हर एक इंडिविजुअल में सेम होता है. सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी बोथ 1 एंड 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. द डेवलपमेंट विच प्रोसीड्स लॉन्गिट्यूडिनली दैट इज़ फ्रॉम हेड टू फुट इज कॉल्ड डैश, कि जो डेवलपमेंट लॉन्गिट्यूडिनली जाती है यानी कि सर से पैर की तरफ जाती है उसको क्या कहते हैं. ए प्रॉक्सिमोडिस्टल, बी स्पायरल डेवलपमेंट, सी लीनियर डेवलपमेंट या डी सिफेलोकॉडल. सो स्टूडेंट्स, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि सिफेलोकॉडल वो डेवलपमेंट होती है जो कि सर से पैर की तरफ जाती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी सिफेलोकॉडल. ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का. क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट अ चाइल्ड इज एबल टू कंट्रोल हिज और हर लार्ज मसल्स लाइक आर्म्स, देन ही इज एबल टू कंट्रोल हिज स्मॉल मसल्स लाइक फिंगर्स. दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड डैश, कि पहले जो है एक बच्चा अपने बड़े मसल्स पर कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद अपने छोटे मसल्स पर कंट्रोल करना सीखता है, तो इस तरह के डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है. ए प्रॉक्सिमोडिस्टल, बी स्पायरल डेवलपमेंट, सी लीनियर डेवलपमेंट या डी सिफेलोकॉडल. सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होती है डेवलपमेंट, उसमें एक बच्चा पहले अपने बड़े मसल्स पे कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद अपने छोटे मसल्स पर कंट्रोल करना सीखता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसमें कि डेवलपमेंट सेंटर टू पेरिफेरी जाती है. ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.
एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।